हिमाचल विधानसभा चुनावों को लेकर निर्वाचन आयोग घर घर जाकर मतदाताओं को वोटर स्लिप देगा, जिसमें मतदान को लेकर संपूर्ण जानकारी दी होगी। अधिक जानकारी देते हुए शिमला निर्वाचन अधिकारी रोहन चंद ठाकुर ने बताया कि लोगों को मतदान के लिए कोई परेशानी ना हो, इसके लिए वे मतदाताओं को वोटर स्लिप घर घर में दे रहे हैं। शिमला जिला में बूथ ऑफिसर वोटर आईडी स्लिप देने जाएंगे। इस स्लिप में मतदाता का वोट कहाँ है और पोलिंग बूथ के अलावा मतदाता सूची में नाम की जानकारी होगी। शिमला निर्वाचन अधिकारी रोहन चंद ठाकुर ने कहा कि लोगों को मतदान के दिन कोई परेशानी ना हो सके, इसके लिए मतदाताओं को वोटर स्लिप घर घर में जाकर दी जाएगी और जिन मतदाताओं को यह स्लिप नहीं मिलती है वे अगले 3 दिनों में वोटर स्लिप उपायुक्त कार्यालय से ले सकते हैं। रोहन चंद ठाकुर ने लोगों से ज्यादा संख्या में मतदान करने की अपील भी की और कहा कि पिछले चुनावों में शिमला शहरी में काफी कम मतदान हुआ है और इस बार ज्यादा से ज्यादा लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करें। कुछ केसेस में मुझे ये भी बताया गया है कि परिवार के एक सदस्य का वोट शिमला में है तो दूसरे परिवार सदस्य का वोट किसी दूसरी विधानसभा क्षेत्र में है। उस दिन के लिए मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने जहाँ जहाँ आपका वोट है वहाँ जाके अपना मतदान को दीजिए। मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहूँगा कि अगले 2 दिनों में हमारे बूथ लेवल ऑफिसर घर घर जाकर वोटर आईडी स्लिप्स देंगे। इस वोटर आईडी स्लिप से ये स्पष्ट हो जाएगा कि आपका वोट कहाँ है, आपका पोलिंग बूथ कहाँ है, आपका नाम इलेक्टोरल रोल मतदाता सूची में कहाँ है, ये भी आपको पता चल जाएगा। कई बार हमें थोड़ी सी संदेह हो जाता है कि हम वोट कैसे करेंगे, कहाँ जाएंगे, हमारा नाम कहाँ होगा। इन सारी समस्याओं का हल इस वोटर स्लिप के माध्यम से होगा। मैं ये भी कहना चाहूँगा यदि अगले 3 दिनों में यहाँ पर कोई भी आदमी ऐसा है जिसको अपनी वोटर स्लिप नहीं मिली तो वो ज़रूर उपायुक्त कार्यालय में आके हमें अपनी आवश्यक सूचना दे दे। रिपोर्ट के चैनल।